हाल नर्मदा नदी बे कांठे वही रही छे, ज्यारे गोल्डन ब्रिज ने वाहन व्यवहार माटे बंद करी देवामां आव्यो छे। नर्मदा डेममांथी छोड़वामां आवी रहेला पाणीना कारणे भरूचना गोल्डन ब्रिज खाते नर्मदा नदी भयजनक सपाटीथी 2 फूट ऊपर वही रही छे। नदीनी हालनी सपाटी 26 फूटनी ऊपर छे। जन्माष्टमीनी रजाओ होवाथी भरूच तथा आसपासथी लोको नर्मदा नदीने जोवा माटे आवी रह्या छे। नर्मदा मैया ब्रिज बनी गया बाद गोल्डन ब्रिज पर वाहन व्यवहार घटी गयो होवाथी लोकोए तेने सेल्फी पॉइंट बनावी दीधो छे। गोल्डन ब्रिज पर सेल्फी लेवा जता कोई दुर्घटना न बने ते माटे वहीवटी तंत्र द्वारा गोल्डन ब्रिज ने वाहन व्यवहार माटे बंद करी पोलिस बंदोबस्त मुकी देवामां आव्यो छे। भरूच में वर्तमान में नर्मदा नदी के जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो एहतियात के तौर पे गोल्डन ब्रिज को भरूच पुलिस के द्वारा इस समय बंद किया जा रहा है दोनों साइड से। इसका रीज़न ये है कि इससे पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। गोल्डन ब्रिज के अल्टरनेटिव के रूप में नर्मदा मैया ब्रिज ऑलरेडी फंक्शनल है, और वैसे भी गोल्डन ब्रिज जो है वो अभी इसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है। और वैसे भी कलेक्टर श्री के जाहिरनामे के अनुसार यह केवल 2 पहिया वाहनों के लिए और पैदल यात्रियों के लिए अवेलेबल था, परंतु वर्तमान में विवेक का उपयोग करते हुए भरूच पुलिस के द्वारा दोनों ओर से इसे बंद कर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की 2-व्हीलर की आवाजाही, 4-व्हीलर की आवाजाही, पैदल यात्रियों की आवाजाही, जब तक ये नर्मदा मैया का जो जल स्तर है ये वापस अनुकूलतम स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये ब्रिज बंद रहेगा। पब्लिक को ये सूचना दी जाती है कि वो नर्मदा मैया ब्रिज का उपयोग करें, और अगर वो गलती से भी इस ओर आते हैं तो यहाँ भरूच पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है, उनको सूचना दी जाती है और वो तुरंत ही 100 मीटर्स दूरी पर नर्मदा मैया ब्रिज पकड़ने के लिए एक रास्ता है उसका उपयोग कर सकते हैं। भरूच पुलिस के इस कार्य से किसी भी तरह से पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव के रूप में नर्मदा मैया ब्रिज फंक्शनल है। नमस्कार।